हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है अक्षय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस लाइव क्लास में, जो कि आयोजित की गई है सिर्फ यंग आर्टिस्ट के द्वारा, वो भी आप जैसे बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना स्टार्ट किया है। तो इन वीडियोस की जो लाइव वीडियोस की सीरीज़ है, उसके थ्रू हमारा मेन मकसद ये है कि आप जैसे बिगिनर्स एक सिस्टमेटिक रूप से एक के बाद एक लेसन सीख पाएँ और सही तरीके से प्रैक्टिस करके आगे अपना सपना पूरा कर पाए। प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अगर आपको लगता है कि किसी और तरीके का वीडियो या हेल्प अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं। अच्छा, सीखने से पहले आई रियली होप कि आपने पिछले दो लाइव सेशंस हम लोगों के देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हमारे लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर से चेक कीजिए। अगर आप सिस्टमेटिक रूप से सीखना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट। आज हम सीखने वाले हैं एक थोड़ा सा एडवांस वार्मअप, क्योंकि अभी तक हमने पहले सेशन में सिर्फ एक बेसिक वार्मअप सीखा था, तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अपने वार्मअप को भी एक स्टेप आगे करेंगे। दूसरा, आज हम एक बेसिक मेलोडी भी सीखेंगे, उसके पहले दो पार्ट ही सही लेकिन कुछ पार्ट मेलोडी का आज हम सीखने वाले हैं, और आज हम कॉर्ड्स का भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो आज के वीडियो के थ्रू आप सीखने वाले हैं। तो आई होप आप अपने गिटार के साथ तैयार हैं और अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एडवांस वार्मअप के साथ। देखिए, हम लोगों ने अभी फर्स्ट अपना जो लाइव हुआ था उसमें आप लोगों को ये वार्मअप सिखाया था, जिसमें पहले चार फ्रेट्स आपको कवर करने होते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले चार फ्रेट्स पे वन इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर यूज़ करते हैं एक ही स्ट्रिंग पे। दाहिने हाथ से राइट हैंड से हम लोग ये मेक श्योर करते हैं दैट वी ऑलवेज प्ले ऑल्टरनेट, वन स्ट्रोक डाउन वन स्ट्रोक अप, वन स्ट्रोक डाउन वन स्ट्रोक अप। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये बैकवर्ड भी होती है, 4 3 2 1। जब भी आपको लगे कि आप अच्छे से इसको करने लग गए हैं, आपके लिए कंफर्ट आ गया है, तो अब आप बाकी की बची हुई स्ट्रिंग्स पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला वार्मअप था जो हमने पहली क्लास में, पहली लाइव क्लास में सीखा था। आज हम जो वार्मअप करने वाले हैं, बाय द वे इस वार्मअप जो अभी अभी हमने किया है इसको हम कहते हैं वर्टिकल वार्मअप। आज जो हम नया वार्मअप सीखेंगे वो है हॉरिजॉन्टल वार्मअप। ठीक है, आई होप आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बेसिक मतलब समझते हैं। वर्टिकल मतलब नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, मतलब आपका जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है। दूसरा ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल, विच मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ओके, तो आज हम एक ही स्ट्रिंग पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर बेसिक रूप से बताया जाए तो पहले चार फ्रेट 1 2 3 4 कवर किए, एक स्टेप आगे 1 2 3 4, फिर एक स्टेप आगे 1 2 3 4, फिर एक स्टेप आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और अपने लिटिल फिंगर को 12th फ्रेट तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं देखिए, स्टार्ट करेंगे फिर से, मैं एक बार करके दिखा रहा हूं आपको, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, अब आपको एक जो मुख्य बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप ये चार चार के ग्रुप्स प्ले कर रहे हैं और अगले चार के ग्रुप पे जा रहे हैं तो बीच में बहुत बड़ा पॉज नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब है इस तरीके का साउंड आप नहीं बजाएं तो बेहतर होगा। अब क्या हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि हर चार के बाद मैं एक स्पेस दे रहा हूं, है ना, या पॉज ले रहा हूं। तो ठीक है, पूरी तरीके से गलत नहीं है, बट शुरू से आपको कोशिश करनी है कि आप क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें। इसका मतलब होता है कि आपका साउंड लगातार होना चाहिए, स्पीड चाहे स्लो हो जाए लेकिन आपका साउंड लगातार चलता रहना चाहिए। ओके, तो उसके लिए करना क्या है, जैसे ही आप चौथे पे आएंगे
मतलब चौथा फ्रेट आपने कवर किया अपने लिटिल फिंगर से, उसी समय अपने थम को आपको तैयार करना है आगे मूव करने के लिए. ओके, सो 1 2 3 4 देन अभी आप मूव करेंगे, और जैसे ही आपका लिटिल फिंगर यहां से छोड़ेगा, लीव करेगा, आपका इंडेक्स फिंगर ऑलरेडी रेडी होना चाहिए नेक्स्ट फ्रेट पे, जिससे कि बीच में कोई एक्स्ट्रा गैप ना आए. ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, 1 2 3 4 1. ओके, 1 2 3 4 1. जैसे ही 4 था, मैंने अपना थंब ड्रैग करना शुरू किया आगे की तरफ, उसको पुश करना शुरू किया, और फिर मैंने 1 प्रेस किया. डाउन अप डाउन अप डाउन. ठीक है, तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी लगातार बजाने की कोशिश आपको करनी है. तो जैसे यहां से स्टार्ट किया, फिर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. मूव योर थंब, 1 2 3. मूव योर थंब, 1 2 3 4. मूविंग द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, पुटिंग इट ऑन द राइट फ्रेट राइट टाइम, 2 3 4. दाहिने हाथ से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप. तो यहां 12th फ्रेट पे जाके आप अपना जो लगातार चलता हुआ सीरीज है उसको रोक देंगे. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मूवमेंट, कि आप लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट जा रहे हैं. गिटार में एक तरीके से ये स्ट्रेट कंसिडर होता है ना, कि हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्रेट्स के हिसाब से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, ये सेम टू सेम प्रोसेस आप बाकी के स्ट्रिंग्स पे भी ट्राई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड लास्ट. ठीक है, सेम प्रोसीजर है, थंब को टाइम पे मूव करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है. ठीक है, अब थर्ड स्ट्रिंग पे ट्राई करेंगे. आप चाहें तो पहली में भी ट्राई कर सकते हैं, और हम साथ में करेंगे. मेरी काउंटिंग के साथ आपको चलने की कोशिश करनी है ना, उससे आगे नहीं होना चाहिए, उससे पीछे नहीं होना चाहिए. मैं तीसरे पे कर रहा हूँ, आप पहली दूसरी किसी पे भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 स्लो एंड स्टडी, 2 3 4 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 2 3 4 डाउन अप 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 डाउन अप. ठीक है, तो आई होप आप कर पा रहे होंगे. अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आपको 4th, 5th और 6th पे भी एग्जांपल दे रहा हूँ. प्लीज ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट द स्पीड. आप कितनी फास्ट प्ले कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस भी स्पीड में आप प्ले कर रहे हैं, कितना भी स्लो आप प्ले कर रहे हैं, कितना कंट्रोल में है, कितना कंसिस्टेंटली वो प्ले हो रहा है, वो मैटर करेगा. तो वो चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, 4th स्ट्रिंग मूवमेंट ध्यान रखने की कोशिश करें. टिप ऑफ द फिंगर कॉर्नर ऑफ द फ्रेट को एम करेंगे. 5th. अब जैसा कि हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि आपका थंब थोड़ा थोड़ा पीछे जाएगा जैसे ही आप ऊपर वाली स्ट्रिंग्स पे काम करेंगे. और इसी तरीके से 6th. स्ट्रेट मूवमेंट, जैसे ही आपको लगे कि अब आप एक हल्का फुल्का कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इसी को कंटिन्यू करें. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पीड से लेना देना नहीं है, कितना फास्ट बजा रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, बल्कि कितना लगातार बजा रहे हैं, आप कंफर्ट में हैं कि नहीं, आपकी फिंगर सही टाइम पे मूव कर रही है कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करेगा. ठीक है, अब जैसे ही आपको लगता है कि आपका ये स्ट्रेट मूवमेंट काफी हद तक सही आने लग गया है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम B
पीछे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे? अब हम क्योंकि रुके हैं 12वें फ्रेट पे, तो 12वें से ही पीछे जाएंगे। 12, 11, 10, 9, ठीक है। लिटिल रिंग मिडिल इंडेक्स 4, 3, 2, 1, किसी भी तरीके से समझिए, मैं उल्टा अब मूव करना शुरू करूंगा, ठीक है। तो अब मैं 4, 3, 2, 1 इसको बोल रहा हूँ, हालांकि फ्रेट 12 है, लेकिन स्टेप्स के हिसाब से 4, 3, 2, 1 मूव, 1 सॉरी 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ठीक है। तो जैसा हमने सीधे मूव करते हुए ध्यान देने की कोशिश की सीधा रहे, बीच में रुके नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड का जो वेरिएशन है वो नहीं आना चाहिए, वही चीज़ें आपको पीछे की तरफ जाते हुए ट्राई करनी है और कोशिश करना है कि आप सही तरीके से उसको फ्लो बना पाए। ओके, प्लीज़ स्पीड पे मत जाइएगा, बिकॉज मुझे आपको दिखाना है और मैं चाहता हूँ कि 30 से 40 मिनट की क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ, इसलिए थोड़ा फास्ट प्ले कर रहा हूँ, जिससे कि हम दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात कर पाएँ। शिफ्ट, 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 लास्ट। क्या किया मैंने, पहले पे सीधा बजाया, दूसरे पे रिवर्स, तीसरे पे सीधा, चौथे पे रिवर्स, पांचवे पे सीधा, छठे पे रिवर्स। तो ये मूवमेंट भी आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन पहले पहले प्रायोरिटी देनी है, स्ट्रेट सही बजाना है, फिर सारी स्ट्रिंग पे स्ट्रेट सही बजाना है, फिर रिवर्स बजाना है इंडिविजुअली, हर स्ट्रिंग पे इंडिविजुअली, फिर सारी स्ट्रिंग्स पे इंडिविजुअली बजाना है, फिर जाके आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि पहले पे सीधा गए, दूसरी पे रिवर्स आ गए, इस तरीके की वेरिएशन आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वार्म अप, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा प्ले कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें प्ले करने में। अब हम बात करते हैं अपनी पहली मेलोडी के बारे में। जी हाँ, फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप एक ट्यून प्ले कर पाएंगे, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि कोई गाना प्ले करवाना या कोई ट्यून प्ले करवाना गिटार के थ्रू। तो इसके लिए हमने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया है, और ऑनेस्टली सेइंग मैं सोच रहा हूँ आज आपको सिर्फ इसका आधा पार्ट ही बताया जाए, जिससे कि पहले आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लाइव सेशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बिगिनर्स के लिए हैं, जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्ले करते हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि ये जो लाइव सेशंस हैं थोड़े से आपको इरिटेटिंग लगे कि इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहे हैं सर, इतना स्लो स्लो क्यों सिखा रहे हैं। बट हम समझते हैं कि जब भी कोई नया गिटार सीखना स्टार्ट करता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, धीरे धीरे प्रोसेस करना। तो पहली चीज़ आपको जो समझनी है, हैप्पी बर्थडे के लिए, कि हैप्पी बर्थडे में चार कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स कह लीजिए या चार लाइन्स हैं बेसिकली, जिसमें पूरा हैप्पी बर्थडे डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज हैप्पी बर्थडे टू यू, सेकेंड हैप्पी बर्थडे टू यू, थर्ड हैप्पी बर्थडे डियर एनी नेम, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। ये चार लाइन्स होती हैं। आज हम फोकस करेंगे पहली दो लाइन्स पे, ठीक है। इसके लिए मैं ज़्यादा प्रेफर ये करूँगा अगर आप नोटबुक और पेन लेके या पेंसिल लेके बैठे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू राइट दिस, है ना। वैसे मेरे पास यहाँ पे वाइट बोर्ड है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि अब हम एकदम क्लास वाला माहौल बना पाएँ। तो आप अपनी नोटबुक में पहले एक नंबर लिखेंगे और फिर हम उस नंबर पे प्ले करके देखेंगे। तो पहला नंबर जो आपको लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है, ये हमारे फ्रेट नंबर होने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला लेसन देखा है, तो हमने सारे गामा को इसी फॉर्मेट में लिखा था। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है फ्रेट नंबर, उसके नीचे लिखना है स्ट्रिंग, और उसके नीचे लिखनी है फिंगर्स, ठीक है। तो मैं फ्रेट नंबर्स बोल रहा हूँ, आपको लिखना है 002054। ये हमारा पहला ग्रुप है नंबर्स का जो आपको याद करना है, लिखना है। और इसके नीचे जो स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी होंगी 1111111, मतलब 0 भी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर नेक्स्ट 0 भी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 2 भी फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 0 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर 5 फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और 4 फर्स्ट स्ट्रिंग, मतलब एवरीथिंग इज ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग ओनली।
ठीक है। और फिर फिंगर्स की अगर बात की जाए तो टू के नीचे आप लिखेंगे ए इंडेक्स फिंगर, और फाइव के लिए लिखेंगे लिटिल फिंगर, और फोर के लिए लिखेंगे रिंग फिंगर। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके बताता हूँ। देखिए जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो मतलब ओपन, कि आपने कोई फ्रेट प्रेस नहीं किया है। नंबर्स जो है वो फ्रेट डिफाइन करते हैं, तो ये अगर मैं बोलूँ वन, वन का मतलब है ये फ्रेट है ना। अगर मैंने आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं की है तो आपको समझना है कि भाई हाँ ये इसी फ्रेट की बात हो रही है, वन मतलब ये स्ट्रिंग। ऑफकोर्स मैं आपको स्पेसिफाई करूँगा कि कौन सी स्ट्रिंग आपको बजानी है। तो सबसे पहले आपको 00205 4 प्ले करना है, तो 00 तो डजंट मैटर, मेरा हाथ कहीं पे भी हो 00 रहने वाला है। अगर मैं यहाँ रखूँ हाथ तो भी 00 रहेगा, और अगर मैं यहाँ रखूँ तो भी 00 रहेगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 2 प्रेस करना है, वो भी अपनी इंडेक्स फिंगर से, तो इसलिए मैं पहले से एक रेडी पोजिशन में रहूँगा कि मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो, कि पता चले मैंने यहाँ हाथ रखा हुआ है फिर मैंने 00 बजाया, अब 2 बजाने के लिए पहले मैं थंब यहाँ लगाऊंगा फिर लेके आऊँगा, उससे बढ़िया मैं पहले से रेडी रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। सो वी स्टार्ट विद 00 देन 2 देन 0 अगेन देन 5 विद योर लिटिल फिंगर एंड देन 4 विद योर रिंग फिंगर। लेट मी रिपीट इट अगेन 00205 4। ओके फिर से बोल रहा हूं 00205 4। तो आप साउंड से समझ रहे होंगे कि हम सही दिशा में हैं। तो अगर मैं इसके साथ गाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑफकोर्स जब आप इसको बहुत प्रिसाइज वे में गाते हैं तो ऐसा टा ऐसे नहीं करते, यू गो लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चलिए इसको समझने से पहले आप तो पहले इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए कि आप लगातार 1 2 3 4 5 6 ये 6 साउंड हमें बैक टू बैक चाहिए। लिसन टू इट अगेन 1 2 3 4 5 6 ओके 1 2 3 4 5 6 ये आपको पहले रिवाइज करना है। प्लीज़ प्ले करके देखिए फिर से 0 0 2 0 5 4 ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में मैंने एक सेम गलती नोटिस की है कि 002 तो बजाते थे लेकिन ये जो बीच वाला 0 है ना आप वो उसको मिस करते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से समझे कि ये पूरा 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स का ग्रुप है ना। तो 00205 4 तो इसमें गाएंगे कैसे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मैंने मेरा थंब यहाँ तीसरे और चौथे फ्रेट के बीच में बॉर्डर पे रखा हुआ है, जिससे कि हम हाथ को आराम से एक्सपेंड कर पा रहे हैं। ओके 00 इंडेक्स फिंगर से 2 देन 0 देन लिटिल फिंगर से 5 और रिंग फिंगर से 4। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हुआ हमारा फर्स्ट लाइन। अब जो हमारा सेकंड लाइन है चलिए उसको लिखते हैं। लिखिए सेकंड लाइन है 00, ये फ्रेट नंबर्स बोल रहा हूं मैं, 00 20 75। तो आप नोटिस करेंगे कि 0020 वाला पार्ट तो कॉमन हो गया, वो पहली लाइन में भी आ रहा है और वो दूसरी लाइन में भी आ रहा है, तो डिफरेंस सिर्फ 5-4 और 7-5 का है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो अभी सेकंड वाला हम लोग प्ले करके देखते हैं 0020। अब हमें 7 पे रखना है लिटिल फिंगर और 5 पे रखना है मिडिल फिंगर। ओके 0020 75 ये हुआ हमारा सेकेंड लाइन। अगर हम दोनों को गा के देखें तो कैसा आएगा, हैप्पी बर्थडे फर्स्ट लाइन 5-4, हैप्पी बर्थडे सेकेंड लाइन, ठीक है ये हुआ हमारा दो लाइंस। इसमें टू यू भी बोल सकते हो, मैंने तो ऐसे ही समझाने के हिसाब से बोल दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि इतना पार्ट आप फ्लो में बजा पाओ, है ना, जल्दी नहीं करनी है अजीब सा, ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए, रिलैक्स्ड आना चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए, बीच बीच में अटकना या रुकना नहीं है, फ्लो का थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो
ये दो लाइंस मैं आज इसलिए आपको करवा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा प्रोसेस कर पाएँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई थिंक इतने में थोड़ी सी खुशी तो मिलेगी आपको कि आप फाइनली कुछ प्ले कर पा रहे हैं मेलोडिकली गिटार में, एक्सरसाइज के अलावा भी। तो इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए और अब हम बात करना स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स के बारे में। आई होप आपको हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। अगर है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू। तो अगर आपने हमारा पहला क्लास अच्छे से देखा है तो आपने समझ लिया होगा कि गिटार में हम दो तरीके की चीज़ें ही प्ले करते हैं। एक तो होता है कॉर्ड्स प्ले करना और एक होता है लीड्स प्ले करना। तो लीड्स का एग्जांपल जो आज हमने वार्म अप सीखा वो भी लीड्स में काउंट होता है। जो हमने हैप्पी बर्थडे का दो लाइन सीखा वो भी लीड्स में ही काउंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉर्ड्स के बारे में। आज आपको हम कॉर्ड्स से रिलेटेड एक दो बेसिक जानकारी देंगे जिससे कि आपको थोड़ा समझना स्टार्ट होगा कि कॉर्ड्स को किस तरीके से रीड किया जाता है। कॉर्ड्स बजाने के लिए पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कॉर्ड्स एक ग्रुप ऑफ साउंड होता है, उसमें मल्टीपल साउंड्स एक साथ आते हैं, एक साउंड एक बार में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको फिंगर्स जो भी हैं, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर, अकॉर्डिंग टू द कॉर्ड, वो फिंगर का प्रेशर आपको कॉन्स्टेंटली बनाए रखना होता है। टैब्स प्ले करते वक्त तो एक बार प्ले किया फिर छोड़ दिया, ऐसे चलता है, बट कॉर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। कॉर्ड्स में आपको कॉन्स्टेंट वो पर्टिकुलर फिंगर्स प्रेस करके रखनी पड़ती हैं, तब जाके यू गेट अ क्लीन साउंड। ठीक है, तो आज मैं ब्लैक बोर्ड वो पे आता है, जो व्हाइट बोर्ड है वो आपके लिए लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए। अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड डायग्राम। अब कॉर्ड डायग्राम क्या होता है, कॉर्ड को बनाने का तरीका। देखिए, जो गिटार है हमारा, अब आप सोचिए कि गिटार हमारा इस तरीके से खड़ा कर दिया हमने, ओके, तो ये इसी का ही ऑन पेपर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि जो आपका खड़ा गिटार है इसमें ये जो फ्रेट्स हैं, तो ये देखिए मैंने फ्रेट्स बना दिए और मैंने उन पे 1, 2, 3 भी लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे मुश्किल लगता है कई बार कि भाई मैं सही आपको दिखा पा रहा हूँ कि नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हो गए हमारे फ्रेट्स, ये वाला जो बॉक्स बना ये फ्रेट नंबर 1, 2, 3। ठीक है, जैसे ये हुआ 1, 2, 3। अब ये जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं ये हैं हमारी स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स के नाम जो होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के नाम जो है वो यहाँ लिखे हैं मैंने EADGBE। तो जैसे यहाँ पे मैंने राइट, नहीं ये मेरा लेफ्ट हुआ, हाँ तो ये आपका भी, हाँ ये आपका, वेट, ये आपका लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने लिखा EADGBE। तो अगर आप सामने से गिटार देख रहे हैं तो आपके लिए ये हुआ EADGBE और E। ठीक है, तो इधर जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे ही स्ट्रिंग्स का ऑर्डर है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि इस तरीके से कॉर्ड का डायग्राम बनाया जाता है। नॉर्मली जो कॉर्ड्स होते हैं वो 3 फ्रेट में ओवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 फ्रेट जो हैं, पहले दूसरा तीसरा है अभी, फॉर एग्जांपल इट कैन बी अदर 3 फ्रेट्स आल्सो, बट ज़्यादातर ऐसा होगा कि 3 फ्रेट के अंदर अंदर आपका कॉर्ड खत्म हो ही जाता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसको बजाना कैसे है, तो जहाँ पे भी आपको फिंगर रखनी होती है आप वहाँ पे एक थोड़ा सा डार्क डॉट बनाते हैं। तो लेट मी शो यू, लेट से हमें बजाना है ई, पहला कॉर्ड जो आज हम सीखेंगे। तो ये देखिए मैंने दो डॉट्स नहीं बोलेंगे बल्कि दो सर्कल, डार्क सर्कल बना दिए हैं। ये जो डार्क सर्कल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेस्ड पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट आपको प्रेस करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो मैंने ए स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट और डी स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट प्रेस किया है, ओके। अब बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इसमें ओपन प्ले होती हैं, मतलब उस पर आप कोई फिंगर नहीं रखेंगे फिर भी आपको वो बजानी है। तो जो भी ओपन स्ट्रिंग्स होती हैं उन पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो इन दो पे हमने फिंगर रखा तो ये 0 नहीं होंगी, लेकिन बाकी की जो 3 हैं वो 0 होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा डायग्राम बनाना, इस डायग्राम को हम बोलेंगे ई माइनर कॉर्ड डायग्राम। ठीक है, इस शेप को बोलते हैं ई माइनर कॉर्ड डायग्राम, ओके। तो एक बार मैं अब आपको गिटार पे अप्लाई करके दिखाता हूं ये, लेट मी पुट इट इनसाइड। हाँ जी,
तो जो मैंने अभी बनाया, आई होप आपको थोड़ा सा याद रहा होगा। तो देखिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। सॉरी, असुविधा के लिए खेद है। देखिए, ये है हमारा ई माइनर, और यहाँ पे हमें रखना है ये दो फिंगर है, इन दो फिंगर्स का हम यूज करेंगे। तो ये हुआ हमारा ए स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट, दिस इज द वन, एंड दिस इज द डी स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। तो दोनों को हमें कॉन्स्टेंटली प्रेस करना है, और बाकी के स्ट्रिंग्स को इस तरीके से। तो इस कॉर्ड को, इस ग्रुप को हम कहते हैं ई माइनर कॉर्ड। क्या कहते हैं? ई माइनर कॉर्ड, है ना? अब वो क्लास वाली आदत है ना, तो रिपीट कीजिए आप। जैसे मैंने बोला क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे ई माइनर कॉर्ड। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक तो स्ट्रिंग के नाम अब आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। तो आप कोशिश करेंगे ई ए डी जी बी ई, ये स्ट्रिंग के नाम हो गए। अब मैंने क्या प्रेस किया? ए स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट विद द मिडिल फिंगर, ऐसे ही डी स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट विद द रिंग फिंगर। दोनों को कॉन्स्टेंटली प्रेस करना है, एक एक स्ट्रिंग बजा के देखना है, एंड मेक श्योर करना है कि यू आर गेटिंग ए क्लीन साउंड। किसी भी तरीके का म्यूट या बज साउंड नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं ई माइनर कॉर्ड। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, इसमें छोड़िए फिंगर्स, वापस लगाइए और वापस चेक कीजिए, फिर से छोड़िए, फिर से लगाइए, वापस चेक कीजिए। तो आपको ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट करके ये कंफर्म करना है कि जितनी बार भी आप ये शेप लगा रहे हैं, आपको एक क्लीन साउंड मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि आपको ये कॉर्ड प्ले करना आ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कॉर्ड, दैट वॉज ई माइनर। आज हम एक और कॉर्ड सीखेंगे जिसको हम कहते हैं डी मेजर। तो मैं भी आप लोगों के सामने फिर से इस जो हमारा डायग्राम था, इसको थोड़ा सा वो करेंगे, चेंज करेंगे बेसिकली। तो अब इसमें क्या चेंज होगा, गिव मी 1 सेकेंड। देखिए जी, ये है हमारा, ओके, लेट मी रिमूव द नेम ऑल्सो। ये है हमारा दूसरा कॉर्ड शेप जो आपको आज सीखना है, इसे कहते हैं डी मेजर कॉर्ड शेप। क्या कहते हैं इसको? डी मेजर कॉर्ड शेप। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी कि तीन जगह मैंने डॉट्स बनाए हैं, मतलब आपको तीन स्ट्रिंग्स प्रेस करनी है। और अगर मैं बोल के बताऊँ कौन सा प्रेस करेंगे, तो आप कह सकते हैं ई स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट, ऐसे ही जी स्ट्रिंग का भी सेकेंड फ्रेट, और बी स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। तो इस शेप को हम कहेंगे डी मेजर शेप। ओके, तो कैसे प्ले करना है, अब एक बार गिटार पे अप्लाई करके देखते हैं। इसको साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जिसके ऊपर अगर हम रखें तो ईजी रहे आपके लिए देखना। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा हमारा डी मेजर शेप। अब फिंगर्स कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर को आप लेके आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, फिर अपने इंडेक्स फिंगर को लेके आएंगे थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, और अपने रिंग फिंगर को लगाएंगे सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। ठीक है, अब इस कॉर्ड में नीचे की चार स्ट्रिंग ही प्रेस करनी होती है, तीन स्ट्रिंग प्रेस करनी होती है और चार स्ट्रिंग बजानी होती है। मतलब इसमें आपको पांचवा और छठा ए और ई स्ट्रिंग नहीं बजाना है राइट हैंड से। तो लगाया शेप इस तरीके से, और 1 2 3 4, ये चार स्ट्रिंग का आपको देखना है हिसाब किताब कि आपका सही साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, 4 3 2 1, 4 3 2 1। शुरू शुरू में हो सकता है, एक जो बड़ी दिक्कत होती है वो इस शेप को अडेप्ट करने में होती है। फिजिकली आपको लगता है कि यार आपसे लग ही नहीं रहा ये, है ना? लेकिन कॉन्स्टेंट एफर्ट इज द की। आपको बार बार में ट्राई करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये अच्छे से प्ले कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन। यू कैन स्टार्ट विद योर इंडेक्स फिंगर ऑन द थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, मिडिल फिंगर ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, एंड रिंग फिंगर ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। ओके,
और नीचे के चार स्ट्रिंग पे आपको फोकस करना है और मेक श्योर करना है कि चारों स्ट्रिंग क्लीन साउंड दे रही हैं, किसी भी तरीके का म्यूट या बज उसमें नहीं आ रहा है। ओके, छोड़िए, फिर से गाइए, फिर छोड़िए, फिर से आइए, लीव एंड कम अगेन, लीव एंड कम अगेन। ठीक है, तो इस तरीके का प्रैक्टिस आपको बार बार में करना है, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाएं कि जितनी बार भी आप ये कॉर्ड लगा रहे हैं आपको एक क्लीन साउंड मिल रहा है। ठीक है, तो दो कॉर्ड्स जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ई माइनर कॉर्ड, डी मेजर कॉर्ड, अगेन ई माइनर कॉर्ड, डी मेजर कॉर्ड, ई माइनर, डी मेजर, ई माइनर, डी मेजर। आपको इतना क्विक इनको डेवलप करना है कि बार बार आप एक से दूसरे पे जंप कर पाए। इट विल टेक टाइम एंड थोड़ा प्रैक्टिस ऑल्सो, तो एक दो दिन, तीन चार दिन, चार पांच दिन लग सकते हैं, बट आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा हॉरिजॉन्टल वार्म अप, स्ट्रेट और रिवर्स सारे स्ट्रिंग्स पे। हमने सीखा हैप्पी बर्थडे का फर्स्ट टू लाइंस उस मेलोडी का, बचे हुए टू लाइंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। और हमने सीखे दो नए कॉर्ड्स, अपने फर्स्ट दो कॉर्ड्स, यू कैन से दैट ई माइनर एंड डी मेजर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा मटेरियल समझ में आया होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर वीक एक लाइव हो रहा है तो पूरा वीक होता है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। हम जानते हैं कि हो सकता है आप लाइफ के अलग अलग स्ट्रीम से हैं, आपका भी, आप प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई चल रही हो सकती है, आपको उतना टाइम नहीं मिलता हो कि रोज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन वीक में अगर आपने टोटल मिला के दो तीन घंटे भी प्रैक्टिस की है और सही तरीके से अरेंज करी की है, कि थोड़ा भी रेगुलर हैं, कि आप 30-40 मिनट या 20-30 मिनट एवरी डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। इसके अलावा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर अपने जो आपके रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग दीज लाइव सेशंस, प्लीज़ हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी तरफ से कोई अच्छा सुझाव आता है तो उसको भी हम अपने वीडियो में कर पाएँ और आपकी और अच्छे से हेल्प कर पाएँ। विद दैट, आज का लाइव सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं, एंड आई रियली होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर न्यू लेसन।